हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की ड्राई नोज के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी मदर्स का ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आजकल बहुत सारी मदर्स जो है वो ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। जो मदर्स की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, मदर्स की कुछ साइट्स होती हैं जहां पर मदर्स की ऑनलाइन हेल्प की जाती है कुछ एक्सपीरियंस्ड मदर्स के द्वारा, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है कि बच्चों के नोज जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, बच्चों को फीडिंग लेने में बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है, बहुत ज्यादा बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो वहां पर भी मैंने बहुत सारे मदर्स को क्या गाइड किया, बस वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि जब बच्चे का नोज जो है वो ड्राई हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें करना है कि बच्चे को स्टीम जरूर दें। अगर बच्चे का नोज रनिंग है तब भी स्टीम जरूर दें, अगर बच्चे का नोज ड्राई है तब भी स्टीम जरूर दें। स्टीम को स्किप करना नहीं है, क्योंकि स्टीम से होता क्या है, स्टीम से हमारी जो नेजल कैविटी होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ जाती है, उसके अंदर की सीक्रेशंस जो है वो मेल्ट हो जाती है और वो इजिली निकल जाती है बिना किसी पेन के या बिना किसी इरिटेशन के। तो इसलिए स्टीम को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, स्टीम जरूर दें अगर बच्चे का नोज ड्राई है या बच्चे का नोज ब्लॉक है या फिर बच्चे का नोज जो है वो रनिंग है। सेकेंड पॉइंट है कि बच्चे के ड्राई नोज के लिए हमें एक गार्लिक और अजवाइन की पाउच होती है जो कि हमें बच्चे की बेड के पास जहां पे बच्चा सोता है वहां पे रखनी है, क्योंकि जब बच्चा सोएगा उस टाइम पे ब्लॉक नोज जो है बहुत ज्यादा इरिटेट करता है बच्चे को, बहुत ज्यादा बच्चा जो है परेशान होता है, इरिटेट होएगा, रोएगा बहुत ज्यादा और उसको नींद भी अच्छी नहीं आती, जिसकी वजह से बच्चा और भी ज्यादा इरिटेट रहने लग जाता है। तो इसलिए वहां पर हमें रखना है एक अजवाइन और गार्लिक का पाउच बनाकर, जिसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं कि उसे कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो हमें उसको भी वहां पर रखना है बच्चे के बेड के पास, जहां पर भी बच्चा सोता है उसके पिल्लो के पास स्पेशली वहां पर रखें, ताकि उसकी जो फ्रेग्रेंस है बच्चा इनहेल कर सके और बच्चा जो है वो आराम से ब्रीथ करके स्लीप ले सके, अपनी अच्छी नींद ले सके। थर्ड पॉइंट है कि बच्चे की नोज में नेसोक्लियर ड्रॉप्स। बहुत सारे लोगों ने एडवाइस भी किया है कि नेसोक्लियर ड्रॉप्स डाल दो और बच्चे का नोज जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि बच्चे के ब्लॉक नोस्ट्रिल्स में नेसोक्लियर ड्रॉप्स डाल दिया और बच्चे का नोज जो है वो ओपन हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि नेसोक्लियर जो ड्रॉप्स होती हैं, जो नेजल ड्रॉप्स होती हैं, नेजल स्प्रेस होती हैं, वो सिर्फ सीक्रेशंस को मेल्ट करने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि नेसोक्लियर्स को यूज हम कर सकते हैं रनिंग में भी और ड्राई में भी, दोनों तरफ हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे का नोज रनिंग है, बहुत ज्यादा सीक्रेशंस निकल रही है, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और अगर बच्चे का नोज ड्राई है तब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तरफ यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर रनिंग नोज है तब तो सिंपली डाल दो नेसोक्लियर ड्रॉप्स और बच्चे का जो नोज है वो ठीक हो जाएगा, उसकी जो रनिंग जो सीक्रेशंस होती हैं, रनिंग सीक्रेशंस होती हैं, वो रुक जाएगी थोड़ा टाइम के लिए। इसलिए 3 to 4 times बच्चे के लिए नेसोक्लियर ड्रॉप्स जो है वो यूज की जाती हैं। तो इसको था नेसोक्लियर रनिंग नोज के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं ड्राई नोज। तो ड्राई नोज के लिए हमें क्या करना है, ड्राई नोज के लिए हमें एक एक ड्रॉप जो है वो दोनों नोस्ट्रिल्स में डालकर एक कॉटन की बाती जैसी बना ले और उस बाती के साथ नोस्ट्रिल्स को क्लीन कर दे, ताकि जो भी सीक्रेशंस हो वो निकल जाए और बच्चा जो है वो आराम से ब्रीथ कर सके। लेकिन याद रखें, स्टीमिंग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। स्टीमिंग तो जरूर दे, सारे तरीके होते हैं बच्चों को स्टीम देने के लिए, तो उन तरीकों को आजमाएं और बच्चे को स्टीम तो जरूर दे अगर बच्चे का नोज जो है बहुत ज्यादा ड्राई रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे के ड्राई नोज के लिए हमें देसी घी में कपूर जो होता है, कपूर को मिक्स करके, कपूर की एक छोटी सी गोली लेकर उसी सेम क्वांटिटी में घी डालकर उस दोनों को मिक्स कर लें, ड्राई क्रश करके, कपूर को अच्छे से क्रश करके मिक्स कर लें, और उस कपूर को उस जो ये जो एक पेस्ट बन जाता है, इस पेस्ट को बच्चे के दोनों नोस्ट्रिल्स में लगा दे, मोस्टली जब बच्चा सो रहा होता है उस टाइम पर, क्योंकि ये एक वेपर अप बन जाती है और बच्चे को इनहेल करने में, सांस लेने में बहुत ज्यादा इजी कर देता है। ये बच्चे की जो नोज के अंदर जो अंदर की जो कैविटी है उसको सॉफ्ट रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, डिहाइड्रेटेड नहीं होने देता है, हाइड्रेट रखता है। पॉइंट है कि हमें बच्चे को हाइड्रेट रखना है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, क्योंकि समर्स में पानी, जितना ज्यादा पानी पीते हैं, मोस्टली पानी जो है वो हमारी स्वेटिंग के थ्रू निकल जाता है, यूरिन कम आता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बच्चा जो है वो डिहाइड्रेटेड होने लग जाता है। और मोस्टली ये भी रीजन होता है कि बच्चे का जो है नोज जो है वो ड्राई होता है, क्योंकि बच्चे ने पानी कम पिया है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है बच्चे का नोज ड्राई होने का। तो इसलिए बच्चे को पानी जरूर दे, किसी भी फॉर्म में लिक्विड्स देते रहे, कुछ शरबत बनाकर, कुछ जूसेस बनाकर, या सिंपल पानी देकर, कुछ भी किसी भी फॉर्म में पानी दे, लेकिन बच्चे को पानी जरूर पिलाएं, ताकि बच्चे का स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से मोस्टली नोज जो है वो ब्लॉक रहने लग जाता है। तो ये थे कुछ 4 to 5 tips जो की बच्चे की ड्राई नोज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इनके भी बच्चे का नोज ड्राई रहता है, तो इन टिप्स को जरूर यूज करें और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक और
वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाय।